यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग? एंड वेलकम बैक हो चुका है आप सभी का द एयर ऑफ परमैन सीजन 2 के 9th एपिसोड के अंदर। तो गाइस, मुझे पता है कि बहुत टाइम हो चुका है एपिसोड्स आने के लिए, और हर वक्त भाई मेरे साथ ऐसा ही होता है भाई। मतलब यार, बीच में कभी कभी एग्जाम्स वगैरह आ ही जाते हैं। तो गाइस, उन सारी चीज़ों को भी मैं कुछ ना कुछ तो मैनेज करके एपिसोड्स को जल्दी लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, अगले बार से। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है? तो वीडियो स्किप मत करना। तो मैं अभी आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ, तो वो ध्यान से देखना, ठीक है? स्किप मत करना। अबे मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्यों झगड़ा कर रहे हो? अरे भाई, ये अभी आदमी बता रहे दो एनीमे देखने को बोल रहा है। दो एनीमे क्या? वही तो, दो एनीमे बोल रहा है एक साथ देखने का। भाई एक हाथ से कभी ताली बजता है क्या? भाई सुनो, कभी एक हाथ से ताली बजता है भाई? तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया? हाँ, तो ये वाला वीडियो था थोड़ा अजीब सा। तो आप लोगों को टूनी है प्लेट तो पता रहेगा, है कि नहीं? मेरा दोस्त है, तो उसका और मेरा एक कॉमन सा चैनल है। इसके ऊपर हम लोग ऐसे ही अजीबोगरीब वीडियोस डालते रहते हैं। अभी जो आपने जो वीडियो देखा वो एक एनिमे पैरोडी वीडियो था, और इस चैनल के ऊपर परमैन का भी पैरोडी आने वाला है जल्दी ही। तो बस आप लोगों को एक ही चीज़ करनी है, मैंने उसी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके बस चेकआउट कर देना। और वीडियो कैसा बना है जस्ट कमेंट में बता देना, बस आपका एक रिव्यू चाहिए। और हाँ, अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, सपोर्ट की तो बहुत ज़रूरत है। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो लास्ट वाले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि परमैन को एक अजीब सा पत्थर मिलता है जिसके ऊपर एंशियंट लैंग्वेज लिखी हुई रहती है। परमैन वो सारी चीज़ें पढ़ नहीं पाता, लेकिन परमैन के अंदर जो डीमन मौजूद है वो हर एक चीज़ को पढ़ पा रहा था। परमैन उस डीमन से कहता है कि ये अगर एंशियंट लैंग्वेज है, ये अगर डीमोनिक लैंग्वेज है, तुम्हें तो ये सब कुछ पता रहेगा ना? तो तभी वो डीमन कहता है कि हाँ, मैं उस वर्ल्ड से बिलोंग करता हूँ। तो तभी परमैन कहता है कि तो मुझे बताओ ये सब कुछ क्या लिखा है। तो तभी जैसे ही वो डीमन उन सारी चीज़ों को पढ़ता है, वो खुद भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये बर्ड प्लैनेट है। तो तभी परमैन कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, ये बर्ड प्लैनेट कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा कि हम दूसरे डायमेंशन में आए हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये बर्ड प्लैनेट है? हाँ, मैंने कहा था कि हम दूसरे डायमेंशन में आए हैं, लेकिन यहाँ इस पत्थर पर यही लिखा है कि ये बर्ड प्लैनेट है। और हाँ, इसमें एक और चीज़ लिखी है, अगर डीमन पावर को एंड करना है तो तुम्हें वो चीज़ इस प्लैनेट के दूसरे और मिल जाएगी। तो तभी वो डीमन कहता है कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हमने टाइम ट्रैवल किया है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उसी पत्थर के सामने खड़ा है। परमैन डीमन से कहता है कि अगर हमने टाइम ट्रैवल किया है तो एक्चुअली ये टाइम ट्रैवल हुआ कैसे? तो तभी वो डीमन कहता है कि देखो, भले ही तुम बेहोश थे तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी देख सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे बॉडी के अंदर ही सील्ड हूँ, मुझे कैसे पता रहेगा? तो तभी परमैन कहता है कि मैंने तो तुमसे पूछा भी नहीं। तो तभी वो डीमन कहता है कि ये झगड़ा करने का टाइम नहीं है अभी, शायद से वो स्पेसशिप टाइम ट्रैवल करता रहेगा। तो तभी परमैन कहता है कि नहीं, वो टाइम मशीन नहीं है, वो नॉर्मल सा स्पेसशिप है। अगर वो टाइम मशीन रहता तो उसके अंदर एक स्पेशल की रहती जिसको दबाने के बाद एक्चुअल टाइम पोर्टल खोल सकते हैं, लेकिन उस स्पेसशिप के अंदर कुछ भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, हम लोगों ने टाइम ट्रैवल किया कैसे हमें ही नहीं पता, शायद कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ हुई रहेगी स्पेस के अंदर जिसकी वजह से हम लोगों ने गलती से टाइम ट्रैवल किया रहेगा। तो अगर हमने टाइम ट्रैवल किया है तो हम अभी किस टाइमलाइन में है? तो तभी वो डीमन कहता है कि तुम्हें इतना तो मालूम होना चाहिए ना, ये तो एंशियंट टाइम है, अभी तो एंशियंट लैंग्वेज पढ़ी थी, मतलब एग्जैक्टली एंशियंट टाइम नहीं है, उससे थोड़ा अगला टाइमलाइन है। तो तभी परमैन कहता है कि हाँ, ये तो सही कहा, इसका मतलब हम टाइम में पीछे आ गए हैं। तुम समझ पा रहे हो, अगर हम टाइम से पीछे आए हैं तो इसका मतलब हमारे पास एक और चांस है, हम वापस जा सकते हैं। हमें बस एक चीज़ पता करनी है, हमने टाइम ट्रेवल किया कैसे, हम टाइम में वापस जा सकते हैं। तुमने उस पत्थर पे एक और चीज़ पढ़ी थी ना, प्लैनेट के दूसरी तरफ एक चीज़ मौजूद है जिससे हम डीमन पावर को ख़त्म कर सकते हैं, है ना? पहले तो हमें उस चीज़ को ढूंढना पड़ेगा, अगर वो चीज़ डीमन पावर को कंट्रोल में ला सकती है तो हमारे लिए वो सबसे ज़रूरी है। हमने टाइम ट्रेवल किया कैसे उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, हमारे लिए अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो वेपन जिसके मदद से हम डीमन पावर को ख़त्म कर सकते हैं या फिर कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए हमें प्लैनेट के दूसरे ओर जाना पड़ेगा,
और हमें उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं पता। यहाँ इस पत्थर पर बस प्लैनेट की दूसरी ओर आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ऐसा लिखा है। तो तभी वो डीमन कहता है कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी तक एक चीज़ पता नहीं चली, ये पत्थर यहाँ पर कर क्या रहा है और ये किसने लिखा है। और जहाँ तक हमें पता है कि हम टाइम में पीछे आए हैं। परमैन तुम ध्यान से सोचो, हम अगर टाइम से पीछे आए हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी इस टाइम पे कैसे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर उस वेपन के बारे में लिखा है और यहाँ इस पत्थर पर बहुत सारे हिंट्स लिखे हुए हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि हमसे पहले यहाँ पर और भी कोई तो आया रहेगा। तो तभी परमैन कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता कि हमसे पहले और भी कोई तो यहाँ पर आया रहेगा। तो तभी वो डीमन कहता है कि परमैन तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर तो बस एक ही पत्थर है, इसके साइड में कुछ ना कुछ तो टूटा हुआ है। भले ही ये सब कुछ पुराना दिख रहा है, लेकिन इस पत्थर के साइड में शायद से एक और पत्थर था जिसके ऊपर कुछ और चीज़ लिखी होगी। मुझे शायद से सब कुछ क्लियर हो रहा है अभी। तुम्हें याद है परमैन, शायद से तुम्हें ये स्टोरी किसी ने तो बताई रहेगी। बहुत साल पहले बर्ड प्लैट पर डीमंस का हमला हुआ था और उसके बाद शायद से परमैन सेट का आविष्कार किया गया था, याद है तुम्हें। तो तभी परमैन कहते कि हाँ हाँ मुझे याद है सब कुछ, मुझे ये स्टोरी बर्डमैन ने बताई थी। तो तभी वो डीमन कहता है कि ये पत्थर उसी के वजह से गायब हुआ है। यहाँ पर शायद से दो चीज़ें थी, एक वेपन की मदद से डीमंस को बुलाया जा सकता और एक वेपन की मदद से डीमंस को ख़त्म किया जा सकता है। मतलब जिसने भी इन डीमंस को जगाया है उसने इस पत्थर का भी नामो निशान मिटा दिया और शायद से वो वेपन उसके पास है। तो तभी परमैन कहता है कि एक सेकेंड, लेकिन अभी तो हम लोग बर्ड प्लैट के ऊपर ही तो है, फिर ये कौन सा टाइमलाइन है। तो तभी वो डीमन कहता है कि परमैन तुम ज़रा उस पत्थर को हाथ लगाओ। तो जैसे ही परमैन उस पत्थर को हाथ लगाता है वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जस्ट अभी कुछ दिनों पहले टूटा है। परमैन मैंने तुम्हें बोला था कि नहीं, हमसे पहले यहाँ पर और कोई तो आया था और वो जो कोई भी है उसने काली शक्तियों को हासिल कर लिया है। उस आदमी को टाइम ट्रैवल करना आता है, वो टाइम में पीछे आया था यहाँ पर। वो जो कोई भी है उसने पूरा टाइम लाइन में ही गड़बड़ कर दी है। ये पुराने ज़माने का बर्ड प्लैट है, यहाँ पर जो भी पहले लोग रहते थे शायद से उन्होंने ही ये सारे एंशियंट वेपन्स बनाए हैं। तो तभी परमैन कहता है कि एक सेकेंड, तुम ये सब कुछ कैसे गेस कर पा रहे हो। मुझे पता है तुम एक डीमन हो, लेकिन तुम्हारा असली रूप कैसा है, तुम मुझसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो। तो तभी वो डीमन कहता है कि शायद से अभी ये राज खोलने का टाइम आ गया है। मैं एक डीमन हूँ मुझे पता है, और मैं तुम्हारे अंदर सील हूँ। ये तो तुम्हें भी पता होगा कि मैं तुम्हारे अंदर सील कैसे हुआ, लेकिन असलियत में मैं उसी एंशियंट टाइम से बिलोंग करता हूँ। उस टाइम की मैं अगर तुम्हें स्टोरी बताऊँ तो पुराने टाइम में यहाँ इस प्लैट पर कुछ ऐसे आदमी थे जिनके पास काली शक्तियाँ थी, जो कि बहुत बुरे लोग थे। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास कौन सी भी पावर नहीं, वो बस नॉर्मल लोग थे। और जिनके पास काली शक्तियाँ थी वो लोग इस प्लैट पर राज करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक आदमी इस प्लैट पर आया, वो किसी दूसरे प्लैट का ही था। उस आदमी ने सारे लोगों की काली शक्तियों को ख़त्म कर दिया और पूरे प्लैट को हरा भरा कर दिया। धीरे धीरे से पूरे प्लैनेट पर काली शक्तियाँ ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद अचानक से ही वो आदमी गायब हो गया और बाद में कभी वो आदमी दिखाई भी नहीं दिया। मैं भी उनमें से ही एक आदमी था, लेकिन एक दिन इस प्लैट पर कुछ अजीब सा ही हुआ। विदिन अ सेकेंड सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। मैं सूरज को देख रहा था, लेकिन अचानक से मेरे आँखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं होश खो बैठा। और जैसे मुझे होश आया मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर था। ये कैसे हुआ, कितने साल हो गए मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर अचानक से ही आ गया और मैं इस बॉडी से बाहर निकलने की ट्राई कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे अंदर रोक के रखा था। लेकिन बीच में 100 साल हो गए, 1000 साल हो गए, कितने साल हो गए मुझे कुछ आइडिया नहीं है। परमैन मैं हैरान क्यों हुआ था इस पत्थर को देख के, मैं इसी की वजह से हैरान हुआ था क्योंकि मैंने इस पत्थर को मेरे टाइम में देख लिया था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं अभी जस्ट ये पढ़ रहा हूँ तो मुझे सब कुछ अभी समझ में आ रहा है। हम लोग उसी टाइमलाइन में आ गए हैं जिस टाइमलाइन में यहाँ से वो वेपन चोरी हुआ है, यानी कि उसी साल के बीच में मैं जब अनकॉन्शियस था पूरा, 100 से 1000 साल के बीच में हम लोग उसी साल के बीच में आए हैं। मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है क्योंकि ये जो पत्थर है पूरा का पूरा एंशियंट टाइम का है, एकदम पुराने ज़माने का। तो तभी परमैन कहता है कि अब सब कुछ समझ में आ रहा है, तो अभी किसकी देरी है, चलो उस वेपन को हासिल करते हैं जो इस पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन वहाँ से निकल जाता है उस वेपन की तलाश में, लेकिन वहाँ जाने से पहले वो वापस अपने स्पेसशिप की तरफ चले जाता है।
क्योंकि परमैन को कुछ ज़रूरी सामान लेना था जो कि उसको रास्ते में काम आएगा। तो जैसे ही परमैन स्पेसशिप के पास पहुंचता है तो वहां से वो फर्स्ट एड और कुछ खाने का सामान ले लेता है और कुछ ऐसे सर्वाइवल इक्विपमेंट्स भी ले लेता है ताकि उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो अगर वो किसी केव वगैरह में फंस गया तो। तो ये सब कुछ होने के बाद परमैन वहाँ से निकल जाता है। परमैन के पास बस अपना केप ही था क्योंकि उसका हेलमेट डुप्लीकेट बर्डमैन ने लेके रखा था क्योंकि उस हेलमेट के अंदर ही बहुत ज़्यादा पावर थी। तो परमैन केप की मदद से उड़ तो पा रहा था लेकिन उसके पास पावरफुल स्ट्रेंथ नहीं थी। परमैन का हेलमेट था जो कि उसको पावरफुल स्ट्रेंथ दे रहा था। तो परमैन उस केप की मदद से उड़ते हुए उस वेपन की तलाश में चले जाता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन कट होकर उसी डीमन डायमेंशन में चले जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन और वो आदमी जिसने परमैन का रूप ले रखा था उन दोनों को जेल में बंद किया हुआ रहता है। तो तभी बर्डमैन उस आदमी से कहता है कि सुनो, तुम अगर फ्यूचर से आए हो तो तुम्हें तो हर चीज़ के बारे में पता रहेगा। तो तभी वो आदमी कहता है कि हाँ, मुझे पता है, मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है। तो तभी बर्डमैन उस आदमी से पूछता है कि क्या तुम मुझे उन सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, मुझे कुछ तो बताओ जिससे मैं कुछ मदद कर पाऊँ। तुम अगर बोल रहे हो कि बर्ड प्लैट खतरे में है तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। तो तभी वो आदमी कहता है कि बर्डमैन, अगर मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा तो मैं उस खतरे को दूर नहीं कर पाऊंगा। अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, मैं आपको बस एक चीज़ बता सकता हूँ, कोई तो एक ऐसा आदमी आएगा जो कि बर्ड प्लैट को बचाएगा और पूरी काली शक्तियों को ख़त्म कर देगा। तो तभी बर्डमैन कहता है कि ठीक है, अगर तुम कुछ भी बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है बर्ड प्लैट के बारे में। मुझे बस इतना पता है कि बर्ड प्लैट पर कुछ साल पहले एक हमला हुआ था जो कि काली शक्तियों का था, जिससे बर्ड प्लैट पर बहुत बड़ी तबाही हुई थी। लेकिन उन काली शक्तियों को इस प्लैट पर लाया कौन, यह अभी तक मिस्ट्री है, मुझे भी नहीं पता। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें यह सब कुछ पता है, ये काली शक्तियाँ एक्चुअली आई कहाँ से है और किसने इन लोगों को जगाया है। इन सारे चीज़ों के पीछे एक ऐसे आदमी का हाथ है जो कि हम दोनों को पता है, लेकिन वो आदमी कौन है वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता होगा, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। तो तभी वो आदमी कहता है कि आपने जो भी गेस किया है सब कुछ बराबर गेस किया है, इन सारी चीज़ों के पीछे एक ऐसे आदमी का हाथ है जो कि पूरी दुनिया पर कब्ज़ा करना चाहता है। चलो मैं आपको एक और कमाल की चीज़ बताता हूँ, वो आदमी जिसने ये सब कुछ किया है वो फ्यूचर में मर चुका है, लेकिन तभी भी ये हमला कैसे हुआ इसी चीज़ का पता लगाने के लिए मैं फ्यूचर से पास्ट में आया हूँ। अब तो आप समझ गए होगे क्या सीन है। ये जो आदमी है जो अभी डीमंस को कंट्रोल कर रहा है, इसके पीछे भी कोई आदमी है जो कि पूरे सीन को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इस आदमी के पास इतना दिमाग नहीं है ये पूरा सीन क्रिएट करने के लिए। तो तभी बर्डमैन कहता है कि मुझे लगा ही था कुछ ऐसा ही सीन होगा, हीरोमा के पास इतना दिमाग नहीं है, इसको भी कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये उस आदमी के साथ पक्का मिला हुआ है, कुछ तो बड़ा गेम चल रहा है यहाँ पर। अभी सब कुछ मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ से निकलेंगे कैसे, और परमैन ज़िंदा भी है या फिर नहीं है, क्योंकि इसने तो बोला कि परमैन मर चुका है। तो तभी वो आदमी कहता है कि देखो, अगर मैं परमैन के बारे में बोलूँ तो मैंने ब्लैक परमैन को एक इंजेक्शन तैयार करने को बोला था, परमैन अगर मरने की हालत में भी रहा तभी भी वो इंजेक्शन उसको बचा सकता है। अगर कुछ सीन भी क्रिएट हुआ होगा जैसे कि परमैन एक्चुअली में मरने की हालत में होगा, तो उस टाइम में ब्लैक परमैन ने उस इंजेक्शन को इंजेक्ट किया होगा उसके बॉडी में, जिससे अभी के टाइम पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि परमैन की जान बची होगी, लेकिन वो कहाँ पे होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। परमैन को पता है क्या करना है, वो वापस ज़रूर आएगा। और बात रही हमारी यहाँ से निकलने की, जब वो टाइम आएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, अभी के टाइम पे हमें बस ऐसे ही रहना पड़ेगा, शायद से 1 साल 2 साल या फिर 5 से 6 साल भी हो सकते हैं। बर्डमैन, मैं आपको एक सबसे बड़ी मिस्ट्री बताने वाला हूँ अभी तक की। तो तभी बर्डमैन कहता है कि अभी तो बोला कि तुम कुछ भी नहीं बता सकते। तो तभी वो आदमी कहता है कि देखो बर्डमैन, मैं फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जो अभी तक अवेलेबल है, जैसे कि एक चीज़ जो कि अभी भी अवेलेबल है बर्ड प्लैट के ऊपर, लेकिन वो किसी को भी नहीं पता कि वो कैसे काम करती है। तो तभी बर्डमैन कहता है कि ठीक है, मुझे ये सब कुछ बताओ। तो तभी वो आदमी कहता है कि सुनो बर्डमैन, कुछ एंशियंट टाइम पहले बर्ड प्लैट पर काली शक्तियों का राज था और वहाँ पर कुछ नॉर्मल लोग भी रहते थे, लेकिन एक दिन एक ऐसा आदमी आया
जो किसी और ही प्लैनेट से था, और उसने बर्ड प्लैट को सुधार दिया, सारे काली शक्तियों को ख़त्म कर दिया और एक वेपन के अंदर बंद कर दिया। और बाई चांस अगर वो काली शक्तियाँ बाहर भी आए तो उनसे लड़ने के लिए एक और वेपन तैयार किया गया था जो कि बर्ड प्लैट के ऊपर अभी भी मौजूद है। शायद से बर्ड प्लैट के ऊपर एक ऐसा पत्थर मौजूद है जिसके ऊपर उन सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। उस पत्थर के ऊपर एंशियंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। शायद से उस पत्थर के ऊपर उसी वेपन की लोकेशन रहेगी। लेकिन एक और वेपन जिसके अंदर सारी काली शक्तियाँ बंद है, वो बर्ड प्लैट से करीब 100 या फिर 1000 साल के बीच में वो वेपन गायब हो चुका था। और पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि उसी साल के बीच में वो दूसरा वेपन जिससे काली शक्तियों को ख़त्म किया जा सकता है वो भी गायब हो चुका था। तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि अभी के टाइम पे वो वेपन शायद से बर्ड प्लैट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो आप समझ पा रहे हो बर्डमैन ये सारा सीन? तो तभी बर्डमैन कहता है कि मैं सब कुछ समझ गया, यहाँ पर सब कुछ टाइम ट्रैवल हुआ है, टाइम में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। जब से टाइम मशीन का इन्वेंशन हुआ है तो इसका इस्तेमाल बहुत गलत तरीके से हुआ है, इन सारी चीज़ों को रोकना पड़ेगा जल्दी से। तो तभी वो आदमी कहता है कि इसीलिए तो मैं फ्यूचर से पास्ट में आया हूँ इस पूरे टाइमलाइन को ठीक करने। बहुत सारी मिस्ट्री है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ लेकिन बता नहीं सकता। आप समझ पा रहे हो ना बर्डमैन, मेरी आइडेंटिटी अभी तक आपको नहीं पता है ना कि मैं कौन हूँ? तो तभी बर्डमैन कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कोई आइडिया नहीं है। तो तभी वो आदमी कहता है कि मैं आपको तो अभी के टाइम पे कुछ बता भी नहीं सकता। तो तभी बर्डमैन कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी मजबूरी है, जब टाइम आएगा सब कुछ समझ में आ जाएगा, अभी के टाइम में हम लोगों को ऐसे ही रहना पड़ेगा, कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन कट होकर बर्ड फ्लैट पर चले जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो डुप्लीकेट बर्डमैन सारे परमैंस के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत बिहेव कर रहा था। वो बहुत सारे परमैंस को मार भी रहा था लेकिन उन सारे परमैंस को कुछ पता नहीं चल रहा था। उनको लग रहा था कि ये एक्चुअली में रियल बर्डमैन है, लेकिन उन सारे परमैंस में से बस इचिरो और ब्लैक परमैन को ही ज़्यादा सब कुछ पता था। रॉन को भी थोड़ा फर्क शक हो रहा था कि ये रियल बर्डमैन नहीं है, ये कोई और ही है। तो थोड़ी देर में जो डुप्लीकेट बर्डमैन है वो बर्ड हेडक्वार्टर्स से थोड़ा दूर चले जाता है। तो उसी वक्त में हम लोग देखते हैं कि इचिरो ब्लैक परमैन से बात करने लगता है। इचिरो ब्लैक परमैन से कहता है कि तुम्हें भी ये पता है ये बर्डमैन नहीं है, परमैन मरने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि देखो, मुझे पता है ये बर्डमैन नहीं है, ये मुझे पहले से पता था कि ये असली बर्डमैन नहीं है, असली बर्डमैन और वो आदमी वो दोनों किसी अलग मिशन पर गए हुए हैं, शायद से वो दोनों कौन से तो खतरे में फंसे होंगे क्योंकि अभी तक बहुत टाइम हो चुका है, वो दोनों वापस नहीं आए हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि शायद से एक ऐसा सिचुएशन बनेगा कि हम वापस ना आ पाए, लेकिन हमारे जगह पे कोई तो एक ऐसा बड़ी चाल चलेगा जो कि बर्ड प्लैट को ख़तरे में डाल देगा। और ये सीन अभी एक्चुअली हुआ भी है, हमारे पास वेट करने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। तो तभी ब्लैक परमैन मन में ही कहता है कि मैं ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बता सकता कि परमैन अभी ज़िंदा है, और बर्डमैन और वो आदमी एक्चुअली डायमेंशन स्टोन ढूंढने चले गए हैं। लेकिन उससे पहले ही ये सब कुछ सीन हुआ, परमैन बर्ड प्लैट पे आ चुका था और उसके बाद डुप्लीकेट बर्डमैन और वो आदमी भी आए थे, फिर यहाँ से सब कुछ चेंज हो गया था। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि असली बर्डमैन कहाँ पर है, ये सीक्रेट तो मैं किसी को बता भी नहीं सकता, इचिरो को भी नहीं। हालांकि इसको ज़्यादातर चीज़ों के बारे में मालूम है और इसके पास मेरे जैसे पावर्स भी है, तो शायद ही इसका कनेक्शन हो सकता है उन काली शक्तियों से, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर सीन कट होकर वापस से परमैन के पास चले जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमैन उसी वेपन को ढूंढने के लिए निकल चुका था। वो जैसे ही आगे बढ़े जा रहा था उसके लिए वो वेपन ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा था, क्योंकि बीच बीच में मौसम बार बार चेंज हो रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा सफ़र था, प्लैनेट की दूसरी तरफ उसको जाना था। तो इसके लिए परमैन को बार बार बीच में रुकना पड़ रहा था, परमैन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था बीच में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। 5 दिन गुजर चुके थे लेकिन उसने अभी तक आधा रास्ता भी पार नहीं किया था, इसलिए परमैन एक जगह पर रुक जाता है जहाँ पर वो थोड़ा आराम कर सके। तो ये सब कुछ होने के बाद परमैन वापस से निकल जाता है अपनी जर्नी पे। तो जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है वो देखता है कि यहाँ पर नीचे एक गाँव था जहाँ पर कुछ लोग भी रह रहे थे। ये सब कुछ देखने के बाद परमैन हैरान हो जाता है और उसके साथ साथ वो डीमन भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि
मुझे कंफर्म हो चुका है, हम लोग बीच में कई टाइमलाइन में फंसे पड़े हैं। बर्डमैन ने जो स्टोरी बताई है तुम्हें, ये वही टाइमलाइन है। मतलब अभी के टाइम में ही वो काली शक्तियों का हमला होगा। ये वही 1000 साल पहले की दुनिया है। यहाँ पर सब कुछ देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अभी तक हमला नहीं हुआ है। बर्डमैन जल्दी से नीचे जाओ, उन सारे लोगों से बात करो, कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे ही बर्डमैन नीचे चले जाता है गांव की तरफ, वो देखता है कि वो पूरा का पूरा गांव एकदम जाना पहचाना सा था। जैसे वो उन लोगों से बात करने जाता है, वो लोग उससे डरने लगते हैं। तो तभी बर्डमैन कहता है कि अरे रुको, मेरे से डरो मत, मैं भी एक इंसान ही हूँ। तो तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि हम कैसे मान लें कि तुम एक इंसान हो, तुम तो हमारे सामने ही उड़ते हुए आए थे। तो तभी वो डीमन बर्डमैन से कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुम भूल गए क्या हम पास्ट में आए हैं? अगर सबको यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि तुम फ्यूचर से आए हो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो तभी बर्डमैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं संभालता हूँ सब कुछ। तो तभी बर्डमैन उन लोगों से कहता है कि मैं उड़ते हुए नहीं आया था, मुझे एक बड़े जानवर ने टक्कर मारी थी, इसलिए मैं उड़ के यहाँ पर आ गया था। तो तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि ऐसा तो नहीं लगा कि तुम्हें किसी ने तो टक्कर मारी थी, तुम तो बराबर अपने पैरों के ऊपर यहाँ पर आ गए थे। तो तभी बर्डमैन कहता है कि इसलिए तो मैं अभी बचा, मैं अपने पैरों के ऊपर लैंड कर गया। वैसे तुम मुझे ये सब कुछ बता सकते हो कि मैं अभी कहाँ पर हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कहाँ पर हो अभी। यह है हीरोगानी विलेज, जहाँ पर लोग शांति से रहते हैं। तभी बर्डमैन उन लोगों से पूछता है कि यहाँ पर कुछ आसपास ऐसा हमला वगैरह हुआ था क्या? तो तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। क्यों, क्या हुआ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पर हमला हुआ है? तो तभी बर्डमैन कहता है कि नहीं नहीं मुझे बस ऐसा लगा कि यहाँ पर हमला हुआ है, मुझे ऐसा कुछ जलने की बू आ रही थी। तो तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, ये गांव है ना, यहाँ पर खाना बनाते वक्त ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि तुम इस गांव में आराम कर सकते हो, किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो बता देना। तो तभी बर्डमैन कहता है कि शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर रहने के लिए इन्वाइट किया है, लेकिन मुझे अभी बहुत काम है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन वहाँ से चलते चलते निकल जाता है, क्योंकि वो उनके सामने उड़ नहीं सकता ना। तो जैसे ही बर्डमैन थोड़ा दूर चले जाता है उस गांव से, तो तभी वो डीमन बर्डमैन से कहता है कि बर्डमैन शायद से ये वही जगह है जहाँ पर ये हमला हो सकता है, हमें कुछ देर यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा, हमें एक बार ये पता चल जाए कि वो हमला कैसे हुआ था तो हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो तभी बर्डमैन कहता है कि तो हम एक और काम कर सकते हैं ना, हम लोग ये हमला होने से रोक भी सकते हैं अभी के टाइम पे, तो फ्यूचर में सब कुछ सही हो जाएगा। तो तभी वो डीमन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम अभी के टाइम पे अगर इस हमले को रोक देंगे तो फ्यूचर में सब कुछ सही हो जाएगा? तुम अपने आप को ही देख लो ना, तुम्हें क्या लगता है, तुम अकेले इस हमले को रोक सकते हो? तुम्हारे पास तो वो बर्डमैन का हेलमेट भी नहीं है। जब भी ये हमला होगा और जैसे ही ये हमला ख़त्म होगा, ठीक उसके बाद एक आदमी आएगा, ये तो तुम्हें पता होगा ना बर्डमैन, जो कि तुम्हें बर्डमैन ने स्टोरी बताई थी। ये सीन तुम अपने आँखों से देखोगे कि वो आदमी कौन था और क्या हुआ उस आदमी के साथ। वैसे तुम्हें तो वो आदमी पता रहेगा वो कौन था, उस बर्डमैन ने तो तुम्हें बताया रहेगा है ना। लेकिन अभी हमें एक ऐसी मिस्ट्री का पता चलेगा जो कि इन काली शक्तियों के पीछे असली कल्प्रेट कौन है। अगर हमें अभी भी नहीं पता चलता तो वो हमें फ्यूचर में जाके ही पता चलेगा। तो अभी के लिए हमें बस यहाँ पर अभी इंतज़ार ही करना है कब वो हमला होता है। तो इसके बाद ठीक एक वीक बाद हम लोग देखते हैं कि रात में उस विलेज से कुछ ही दूर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से बहुत सारे लोग निकलते हैं जिनके पास काली शक्तियाँ हैं और यहाँ पर हमला शुरू हो जाता है। तो तभी बर्डमैन ये सब कुछ देख के हैरान हो जाता है, वो सारे लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। बर्डमैन को लीडर भी दिखाई देता है लेकिन वो एक्चुअल बॉस नहीं था जो कि इन सारों के पीछे है। बर्डमैन एक और चीज़ देखता है, कुछ लोग अंडरग्राउंड हो रहे थे उस हमले से बचने के लिए, और जैसे ही हमला ख़त्म होता है बर्डमैन देखता है कि वो लोग उसी पोर्टल से वापस जा रहे थे। लेकिन बर्डमैन के अंदर जो डीमन था उसको एक चीज़ दिखाई देती है, वो आदमी जो कि इन सारे लोगों के पीछे है उसकी बस एक झलक दिखाई देती है उसे, लेकिन उसको एग्जैक्ट चेहरा नहीं दिखाई देता। वो बर्डमैन से कहता है कि बर्डमैन, वो आदमी यहाँ पर आया था लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे उसकी प्रेजेंस महसूस हो रही थी, वो आदमी यहाँ पर ही था, ये हमला होते हुए देख रहा था, कौन है ये आदमी, कौन है इन सारे लोगों के पीछे, मैं जब इन 1000 सालों के बीच में अनकॉन्शियस था
तो मुझे यही सेम फीलिंग महसूस हो रही थी। ये वही सेम ऑरा है जो मुझे बीच में कुछ सेकंड के लिए महसूस हो रही थी, उसी डार्कनेस में। इसी आदमी ने टाइमलाइन में गड़बड़ की है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर में वहाँ पर गोल्डन रोशनी आ जाती है और वहाँ से एक आदमी आ जाता है, और ये वही आदमी है जिसने पहले परमैन सेट का इन्वेंशन किया था। परमैन ये सब कुछ देखते हुए कहता है कि ये वही आदमी है ना जिसने परमैन सेट का इन्वेंशन किया था, लेकिन ये यहाँ पर आया कैसे? तो तभी वो डीमन कहता है कि परमैन तुम्हें ये सब कुछ पता चल रहा है? ये भी एक टाइम ट्रैवलर है, ये किसी दूसरे प्लेट से नहीं आया है, इसने भी टाइम ट्रैवल किया है। शायद से उसके भी टाइमलाइन में इन काली शक्तियों का हमला हुआ रहेगा, इसलिए इसने पास्ट में कुछ चेंजेस किए हैं जिसके वजह से इस परमैन सेट का इन्वेंशन हुआ था। बहुत कन्फ्यूजन है, मेरे पास भले ही काली शक्तियाँ हैं लेकिन मैं एक टाइम पे इंसान ही था और मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। ये तो कन्फर्म हो चुका है कि ये बीच में का ही टाइमलाइन है, क्योंकि हमने ये सीन अपने आँखों के सामने होते हुए देख लिया है। शायद से काली शक्तियों वाले वेपन में कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशन हुआ है। तो तभी परमैन कहता है कि मुझे तो ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो यहाँ से हमें उस वेपन को भी ढूंढ के निकालना है। तो तभी वो डीमन कहता है कि हमने ये सीन तो देख लिया, अभी हमें एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें जल्दी से वो वेपन ढूंढ के निकालना पड़ेगा ताकि हम ये टाइमलाइन को सही कर पाए। तो गाइस अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हाँ इस वाले वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वाले एपिसोड्स के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।